देखिए पुलिस की तरफ से आम लोगों के साथ तालमेल बढ़ाने तथा लोगों को पुलिस की कार्यप्रणाली से रूबरू करवाने की कवायद के चलते जिला पुलिस की तरफ से हीरानगर पुलिस थाने में पुलिस पब्लिक मीट का आयोजन किया गया। इस मीट में जिला पुलिस प्रमुख सुलेमान चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। बैठक के दौरान बड़ी संख्या में हीरानगर क्षेत्र के गणमान्य लोगों के अलावा राजनीति से जुड़े लोगों ने शिरकत की। बैठक का संचालन SDPO बॉर्डर रवेल चौधरी द्वारा किया गया। बैठक में स्थानीय लोगों ने पुलिस की कार्यप्रणाली की सराहना भी की। साथ ही उन्होंने क्षेत्र में नशाखोरी, अवैध शराब का धंधा तथा यातायात संबंधी मुद्दों को जोर शोर से उठाया। मैं SSP साहब की नोटिस में लाना चाहूंगा। सब लोगों ने यहाँ पर ड्रग्स की बात करी कि ड्रग्स के ऊपर काबू करना चाहिए, लेकिन सर इसकी आड़ के में आजकल देसी शराब का धंधा बड़ा फल फूल चल रहा है। लेकिन सर अभी इसके ऊपर और ज़रूरत है काम करने की, क्योंकि जब से ये नेशनल हाईवेज के ऊपर ये जितनी भी बाइंग शॉप्स वगैरह बंद की गई हैं, उसके बाद इन लोगों ने अपना जो जो पूरा एरिया ऑफ ऑपरेशन जो है थ्रू आउट हीरानगर के अंदर अपने इन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। तो हालांकि बस जितने भी पुलिस ऑफिसर हैं कंसर्न्ड, SDPO बॉर्डर जो जितने भी हैं उनके सब लोग काम कर रहे हैं, तो मैं साहब की नोटिस में इसलिए ला रहा हूँ कि इसके ऊपर भी करने की ज़रूरत है। क्योंकि एक चीज़ है जो हमारे एरिया में ये बॉर्डर के साथ लगता है, वो बॉर्डर से अगर कोई इन्फिल्ट्रेशन होती है या कोई भी ऐसी हरकत होती है तो कंडी बेल्ट इफेक्ट होती है। तो यहाँ पे जो फेरी वाले आते हैं, यहाँ तो उनको कोई ID कार्ड दिए जाएँ, क्योंकि पता नहीं लगता कोई UP से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, कि ये है कौन, फेरी वाला है या कोई गलत आदमी है। तो कोई अगर कोई हम अभी एक्सिस बैंक है, चलो हम भी अगर पूछें या आपका भी कोई बंदा पूछे, या कोई गांव में मॉनिटरिंग कमेटियां बना दी जाएं, तो कोई ऐसा कोई शख्स आता है तो उसको वो आइडेंटिफाई करे, वो अपना कार्ड दिखाए जो आपके थाने से या आपके कंसर्न डिपार्टमेंट से इशू किया हुआ है, तो उसकी शिनाख्त हो जाएगी। वहीं बैठक को संबोधित करते हुए SSP सुलेमान चौधरी ने कहा कि ऐसी बैठकों से पुलिस और आम लोगों के बीच की दूरी कम होती है, साथ ही समाज में फैली बुराइयों को दूर करने में आसानी होती है। हमारा मेन पर्पज यही होता है कि अक्सर मैं देखता हूं कि यहां पर पब्लिक मीटिंग होती हैं। मैं उधमपुर में भी रहा 3 साल और थोड़े SSP, उसके बाद राजौरी में गया मैं। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम जो है पब्लिक इंटरफेस हो सके, और इसका पर्पज़ यही है कि ये नहीं कि हम अपनी तारीफ सुने, क्योंकि तारीफ करने के लिए तो मुझे पता है कि हम अपनी भी तारीफ खुद कर दें, अपने मुंह में मिट्टू हो जाए, उसका कोई फायदा नहीं। जब तक कि आप लोग जो है हमारी जो है नेगेटिव नहीं बताएंगे, क्रिटिसिज्म नहीं बताएंगे, उस क्रिटिसिज्म को हम जब तक पॉजिटिव वे में नहीं लेंगे, हम अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर सकते। अलर्ट इंडिया न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट।